हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये पिछले साल IBPS क्लर्क में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH जो कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर सेंटर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनकी आमदनी कितनी है? तो 12, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 32 हज़ार है। अब यहाँ पे एक डी, यहाँ पे देखिए डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे है कि जो कि 12,000 रुपये कमाता है। कौन? ए 12,000 रुपये कमाता है। ठीक है, 18,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति ए के पड़ोसी है, ए का पड़ोसी है। ठीक है, एफ जी के से 4,000 अधिक कमाता है। एफ जो है जी से कितना कमाता है? ज़्यादा, 4,000 रुपये ज़्यादा कमाता है। ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 18,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति और एच के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। 18,000 कमाने वाला और यहाँ पे एच के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, एफ और ए। ठीक है, बी 17,000 रुपये कमाता है और डी के ठीक बाएं ओर बैठा है। डी के ठीक बाएं ओर बैठा है, ये भी सही है। डी के बाएं ओर ठीक बैठा है और 18,000 रुपये कमाता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही हुई कि 18,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति और एच के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, बी जो कि 17,000 रुपये कमाता है, डी के ठीक बाएं और बैठा। अब आइए, यहाँ पे जी और सी पड़ोसी हैं। जी और सी क्या है? पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जी और सी आपस में ये पड़ोसी हैं। ठीक है, आगे क्या गया? और कुल 33,000 रुपये कमाते हैं। अब 33, अगर ये 18,000 रुपये पहले से पता था कि कमाते हैं तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 15,000। तो इससे पता चलेगा कि सी कितना कमाता है। एफ़ ए का पड़ोसी है, एफ़ जो है ए का पड़ोसी है। तो अगर ये यहाँ है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और उसका भी पड़ोसी जो सबसे अधिक कमाता है, एफ़ ए का पड़ोसी है, एफ़ जो है ए का पड़ोसी है और उसका भी पड़ोसी है जो सबसे अधिक कमाता है। मीन्स कि एफ़ का भी कोई पड़ोसी जो कि सबसे अधिक कमाता है। ठीक है, अभी तक तो 12,000, 18,000, 15,000 तक बात चला गया, 17,000 भी हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी तो यह डेफिनेट नहीं हुआ है कि कौन अधिक कमाता है। डी ई से अधिक कमाता है। यहाँ पे देखिए, डी जो है ई से अधिक कमाता है, ई से अधिक कमाता है। चलो 21,000 है तो ये 26,000। ठीक है, कमाता है, कमाने वाला व्यक्ति डी ई से अधिक कमाता है। 21,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 18,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। दाएँ दूसरे स्थान पर 21,000 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट हो गया कि 21,000 ये होगा। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि एफ़ के बारे में बोला गया था ना, एफ़ जो है जी से 4,000 अधिक कमाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, जी अगर 18,000 है तो यहाँ पे अगर जी अगर 18,000 है तो इसमें ऐड करिएगा 4,000 तो कितना हो जाएगा? 22,000। तो यहाँ पर इससे क्या हो गया कि ये एफ़ का भी निकल गया और एफ़ का पड़ोसी इससे अधिक कमाता है, तो इससे अधिक कमाने वाले व्यक्ति एक 32,000 बचा, तो यहाँ पे 32,000 भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सभी सेट हो गया आपस में। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये पजल सॉल्व करने के बाद आपको कम से कम समय में आपको ये जो 5 क्वेश्चन होता है इसको भी सॉल्व करना होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कमाता है? यहाँ पर 32,000 दिख रहा है जो कि एच है, आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन नहीं है? अब यहाँ ये डी 21,000 कमाता है क्या? नहीं, तो डी 21,000 नहीं कमाता है। बाकी आपका जो है कि कौन, अच्छा सी, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है? अच्छा सी सही की बात कहा गया, तो डी 21,000 गलत हो गया, सी 18,000 ये भी गलत है, जी 18,000 तो ये सही है, सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा है? बी और सी को देख लीजिए, नहीं है, बी और ए का है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सी और एच का देख लीजिए, तो सी और एच, हाँ ये सही है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, जी और ई के ठीक बीच में कौन बैठा है? जी और ई के बीच में ठीक कौन बैठा है? तो सी बैठा है, सी बैठा जो 15,000 रुपये कमाता है, वह जो 15,000 रुपये कमाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने व्यक्ति डी से अधिक कमाता है? डी से अधिक कमाने वाला व्यक्ति, अगर डी 26,000 कमाता है तो 26,000 से अधिक कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, 32,000, जो कि यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के धन्यवाद।